प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरणिको, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे, मन चितव्या कारज सरे। श्री महामत कहे ऐसा थ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत, लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर सा जी, हमारी जिग्ना जी भावसार, हमारी दिव्यानी जी जो बलसार से सुंदर साथ सुन रहे हैं, और हमारी नेहा जी जतिन जी अफ्रीका से सुन रहे हैं इस वाणी चर्चा को, जब से शुरू हुई है तब से सुन रहे हैं। धाम धनी की अपरंपार कृपा समस्त सुंदर साथ पर बरसती रहे। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ श्रीजी साहिब जी के श्री चरणों में अपनी चित्तवृत्ति को लगाते हुए धनी जी का ध्यान करते हुए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली, हर बात है निराली, हाँ निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली, हर बात है निराली, हाँ निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। माशूक मीठी रसना करी बाती मीठी मीठी, जिन में है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी, ये होठ जब खुले तो करती है बात रूह से, जब देखे तिरछे नैना रह जाए रू तड़फ के, हाँ निज धाम
रंग मोहल्ले की हर बात है निराली, हर बात है निराली। चौथे पहर का आलम श्री राज श्यामा और हम, चौथे पहर का आलम श्री राज श्यामा और हम। सुख पालो में बैठे घूमे, कभी सागरों कभी बन। सुख पालो में बैठे घूमे, कभी सागरों कभी बन। हक जाति को मिले हैं निज धाम के नजारे, हक जाति को मिले हैं निज धाम के नजारे। इन लाडली रूहों की खातिर है सुख ये सारे, हाँ निज धाम रंग मोहल्ले की हर बात है निराली, हर बात है निराली। हाँ निज धाम रंग मोहल्ले की हर बात है निराली, हर बात है निराली। लाडले सुंदर साहब जी, आइए परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा का आनंद हम समस्त सुंदर साथ ले रहे हैं। धाम धनी की अपरंपार कृपा निस्बती सुंदर साथ पर बरस रही है, क्योंकि लाडले सुंदर साहब जी बिना अंकुर के, बिना निस्बत के और धाम धनी की कृपा के बिना हम एक शब्द भी ये निज घर की लीला का सुन नहीं सकते। लाडले सुंदर साहब जी, धाम धनी की अपार कृपा हो तब हमें ये वाणी चर्चा हमारे नसीब में होती है। लाडले सुंदर साहब जी, धाम के धनी फरमा रहे थे कि किस प्रकार से चौथा पहर का वर्णन होता है ना सुंदर साहब जी। यो अनेक विधे सुख नित पियाजी को सदा उपजत, सब सैया पौरे पिछल टोले तीसरी भौम में आवे चल, टोले तीसरी भौम में आवे चल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। लाडले सुंदर साहब जी, ये परमहंस चर्चनी सम्राट वाणी विशारद हमारे हृदय के सम्राट परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी का खजाना, उनकी नित जो उन्होंने अनुभव से अपनी अनुभूति से, क्योंकि लाडले सुंदर साहब जी परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी ने इस संसार के अंदर रहते हुए 40 वर्ष श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के अंदर बिताए लाडले सुंदर साहब जी, और 40 वर्ष जब पद्मावतीपुरी धाम के अंदर अपने तन से मन से धन से चित्त से धाम धनी को रिझाया, तो लाडले सुंदर साहब जी उन्हें चोपड़ा मंदिर के अंदर साक्षात श्री प्राणनाथ जी और बाईजू राज जी ने दर्शन दिए। ऐसे सतगुरु महाराज जी श्री ज्वारदास जी जिनके हृदय के अंदर श्री प्राणनाथ जी और बाईजू राज महारानी साहिबा सारा परम धाम का खजाना लेके उनके हृदय में विराजमान हो गए। अब एक एक परम धाम के एक एक पक्ष का, एक एक लीला का उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया लाडले सुंदर साथ जी, जैसे हमने एक चौपाई का ही वर्णन सुना था कि सैया केतिक वन में जावे शाक पान में वह सब लियावे, है ना। एक चौपाई के अंदर हमारी चर्चा हो गई थी आधे घंटे की,
तो लाडले सुंदर साथ जी परमंस महाराज श्री ज्वारदास जी के सेवा पूजा के गोटे छपे हुए हैं कि किस प्रकार से हमें चितवनी सेवा करनी चाहिए, चितवनी के द्वारा हमें परम धाम कैसे जाना चाहिए और 15 दिन शुक्ल पक्ष के अंदर श्री राज जी कहाँ जाते हैं, कैसी लीला करते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष में श्री राज जी महाराज रंग महल के अंदर किस प्रकार से रसोई की हवेली में भोजन अरोगते हैं, तो सारी की सारी अष्ट पहर की चितवनी की उनके गोटे छपे हुए हैं लाडले सुंदर साथ जी। कल परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी को धाम गए हुए कल 41वां वर्ष शुरू हो जाएगा लाडले सुंदर साथ जी, कल उनका 41वां स्मृति महोत्सव होगा और हमारे ये सुंदर साथ जी ने तो समस्त सुंदर साथ ने यहाँ तक कि हमारी अनीता पटेल जी ने और भी बाहर के सुंदर साथ ने परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के नाम के पारायण पढ़े और यहाँ के भी सभी सुंदर साथ ने पढ़े। जो भी सुंदर साथ 6 अप्रैल से इस वाणी चर्चा में भाग ले रहे हैं, जिनको श्री इंद्रावती जी के लॉकडाउन ग्रुप का नाम मिला, ऐसे सुंदर साथ परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के श्री चरणों में तन से मन से धन से समर्पित हो रहे हैं और ऐसे सुंदर साथ ने पारायण पढ़ पढ़ के मुझे सबने फोन किए हैं कि दीदी हमारा पारायण पूरा हो गया। मैं परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी सुंदर साथ आपकी ये वाणी चर्चा सुन रहे हैं, जिन्होंने भी आपके नाम पे पारायण पढ़े हैं, तो सदगुरु महाराज श्री जी ऐसे सुंदर साथ के हृदय में आप वो खजाना बख्शीश करें जो आपके हृदय के अंदर साक्षात परम धाम के 25 पक्ष और श्री राज श्यामा जी का दिव्य स्वरूप आपके हृदय में विराजमान है। समस्त सुंदर साथ के हृदय में सदगुरु महाराज जी ये अपना खजाना बख्शीश करें। लाडले सुंदर साथ जी ये गोटे भी छपे हुए हैं अष्ट पैर की लीला के, जिसमें महाराज श्री ज्वारदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। लाडले सुंदर साथ जी जो हम कह रहे थे ना कि चौथा पहर 12, 6 से 9 एक पहर बीत गया, 9 से 12 दूसरा पहर बीत गया और 12 से 3 तीसरा पहर, और 12 से 3 की जो लीला है ना सुंदर साथ जी, जो हमने कल बोला भी था कि सैया बैठी जुदे जुदे टोले करें बातें रहस दिल खोले, कल हम वर्णन कर रहे थे ना सुंदर साथ जी के 12 से 3 के बीच में श्री राजजी महाराज रंग महल के तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर के अंदर विश्राम करते हैं। श्री राजजी महाराज लेटे होते हैं, श्री श्यामा जी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं, है ना सुंदर साथ जी, और इस समय सब सखियां खेलने के लिए चली जाती हैं 12 से 3 के बीच में। सैया बैठी जुदे जुदे टोले करें बातें रहस्य दिल खोले, कहते अपने दिल के रहस्य खोलती हैं। तो कल आपको बताया था कि दिल के रहस्य क्या होते हैं, दिल के रहस्य होते हैं कि किस सखी को राजी महाराज ने रात के समय कैसा सुख दिया, कितना प्यार किया, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी 5वीं भूम में हम 12,000 ब्रह्म आत्माओं के अपने अपने मंदिर हैं। बच्चे पूछते हैं मंदिर क्या होता है, तो अपने अपने रूम हैं, अपने अपने कमरे हैं, कमरे को ही मंदिर बोला गया है जो कि वो परम धाम है ना सुंदर साथ जी। तो अपने अपने मंदिर में अपने अपने कमरे में रात के समय श्री राजजी महाराज 12,000 स्वरूप धारण कर लेते हैं, और जब 12,000 स्वरूप धारण करते हैं एक एक सखी को सुख देने के लिए, उन्हें लाड और प्यार देने के लिए, उनके साथ अंतरंग लीला करने के लिए, हास विलास करने के लिए सारी सारी रात सुख देते हैं एक एक सखी को। तो लाडले सुंदर साथ जी वो जो सखियों ने रात को सुख लिया होता है, क्योंकि सब सखियों का सुख अपना अपना सुख है, धाम के धनी हर सखी को अलग अलग सुख देते हैं, तो इस समय में जब सखियां 12 से 3 के बीच में वनों में जाती हैं
कुछ सखियां तो कहाँ खेलेंगी, कलम ने सुना था कि 6000 मंदिरों की हार आई है ना रंग मॉल में, 6000 थंबों की हार, फिर मंदिरों की हार, क्योंकि दो मंदिरों की हारों में दो थंबों की हारें आई हैं। तो कुछ सखियां तो रंग मॉल के अंदर ही खेलती हैं। महाराज श्री ज्वारदास जी वर्णन करते हैं कि सब सखियां अपने अपने जुत के साथ चित चाया तरह तरह का खेल करने लग जाती हैं। कब? 12 से 3 के बीच में, रंग महल से तीसरी भौम से दूसरी में आ जाती हैं और दूसरी से पहली भौम में आ जाती हैं। तो कहते कई रंग भवन के छज्जों पर बैठ जाती हैं, कुछ तो छज्जों पर बैठ के अपना आनंद लेती हैं, कोई चांदनी पर चढ़ जाती हैं ऊपर, और कई सखियां जरखों पर बैठ जाती हैं, कुछ सखियां जरखों में बैठ के बातें करती हैं, कोई रंग भवन के चारों तरफ परिक्रमा करते समय दीवालों पर जो तरह तरह के नक्शकारी की हुई है सुंदर साथ जी, अनेकों प्रकार की चित्रकारी की हुई है। अब परम धाम की जो दीवारें हैं ना सुंदर साथ जी, तो परम धाम की दीवारों के ऊपर वृक्ष बने हुए हैं, और परम धाम के वृक्षों के ऊपर जो वृक्ष बने हैं ना, उन वृक्षों के ऊपर फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। पर परम धाम की खासियत क्या है, खूबी क्या है लाडले सुंदर साथ जी? परम धाम के अंदर हर चीज चेतन है। अब जब परम धाम की सखियां ओ रंग माहौल के 6000 मंदिरों के ऊपर बनी हुई चित्रकारी और बने हुए घोड़े हाथी अनेकों प्रकार की जो चित्रकारी है ना, ये चित्रकारी चेतन है सारी की सारी लाडले सुंदर साथ जी। और सखियां क्या करती हैं, वो जो दीवारों पे घोड़े बने हुए हैं उन घोड़ों के ऊपर चित्रकारी वाले घोड़े को पकड़ लेती हैं और उसके ऊपर बैठ जाती हैं। अब चित्रकारी वाला घोड़ा सखी को दौड़ा भी रहा है और दीवार के ऊपर वो चित्र भी बना हुआ है सुंदर। अब चित्रकारी के घोड़े के ऊपर सखी जब बैठती है तो सिरजी ने परिक्रमा ग्रंथ में आगे जाके वर्णन किया, एक का कपड़ा धाय के पकड़ा, एक चुटकी दे के भागी, कहे मोहे मिलियो आए। कहते एक सखी घोड़े पे बैठी और उसने चुटकी बजाई कि मेरे को पकड़ के देखो, तो दूसरी ने उसकी साड़ी खींची पीछे से और साड़ी खींचते ही वो नीचे गिर गई, और तीसरी ने उसको खींचा। तो लाडले सुंदर साथ जी, वो जो सखियां रंग महल के 6000 मंदिरों में और थंबों की हारों में खेल खेलने लगती हैं, तो किससे? चित्रकारी के जो घोड़े बने हुए, चित्र जो घोड़े के रूप में चित्र बने हुए हैं, वो चेतन है घोड़े सारे के सारे। और उन घोड़ों के ऊपर सखियां दौड़ लगाती हैं, थंबों के बीच में से दौड़ लगा रही हैं, घोड़ों पे बैठ के दौड़ती हैं, है ना सुंदर साथ जी? और फिर इन चित्रकारी के ऊपर जो फल बने हुए हैं, अनेकों प्रकार के पेड़ और अनेकों प्रकार के पौधे, अनेकों प्रकार के वृक्ष, उन वृक्षों पे जो फल लटक रहे हैं, वो फल भी चेतन है लाडले सुंदर साथ जी। तो सखियां वहीं से ही केले के गुच्छे तोड़ लेती हैं, आम तोड़ लेती हैं, है ना, अंगूर तोड़ लेती हैं, जामुन तोड़ लेती हैं, अनेकों प्रकारी चित्रकारी के जो वृक्ष हैं, वृक्षों पे लगे हुए जो फल हैं, वो चित्रकारी के फल भी चेतन है लाडले सुंदर साथ जी। तो महाराज श्री ज्वारदास जी ने वर्णन किया कि सारी सखियां इस समय में क्या करती हैं, कहते हैं कि घोड़े पे अपनी इच्छा के अनुसार, घोड़े पे, हाथी पे, शेर पे, चित्तों पर बैठकर सवारी करती हैं, क्योंकि चित्रकारी में क्या क्या बने हुए हैं, घोड़े बने हुए हैं, शेर बने हुए हैं, चित्ते बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं। जिस सखी को जो सवारी पसंद आती है वो उसके ऊपर बैठ के और दौड़ लगाती हैं, और खूब दौड़ लगाती हैं, और इतना कंपटीशन चलता है। एक सखी ने अपना घोड़ा आगे दौड़ाया तो पीछे उसने अपने शेर को दौड़ाया, तीसरी ने अपने हाथी को दौड़ाया, चित्ते को दौड़ाया। तो लाडले सुंदर साथ जी, इतनी आनंदकारी लीला कब से हो रही है? 12 से 3 के बीच में। और क्योंकि परम धाम की हर वस्तु चेतन है, दीवार क्या क्या चेतन है, परम धाम का सब कुछ चेतन है,
महाराष्ट्री जी फरमाते हैं, चाहे दीवाल हो, महल हो, मंदिर हो, वृक्ष हो, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, आकाश, जिमी, वायु, सब कुछ चेतन है और सखियां इच्छिक सखियों की इच्छा के अनुसार चलते हैं। परम धाम की हर वस्तु सखियों की इच्छा के अनुसार चलती है। लाडले सुंदर साथ जी, दीवारों में मैं थम्बों पर अनेकों प्रकार के फलों के वृक्ष बने हुए हैं। इच्छा अनुसार वहां से फल तोड़ती हैं सखियां, लेकिन वे फल जैसे के तैसे लगे रहते हैं। और शिव जी वाणी में फरमाते हैं, मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तित रहे तैसा बना, ए बक्का बागों की बात। लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी फरमाते हैं वाणी के अंदर कि जिसको मेवे चाहिए तो मेवे ले लो, फल चाहिए तो फल खा लो, फूल चाहिए तो फूल तोड़ लो, है ना, जो भी चाहिए। और तित रहा तैसा ही बनया, जहां से आप जो चीज तोड़ोगे वो चीज वहां पे जो की त्यों लगी हुई आपको मिलेगी, एक बक्का बागों की बात। ये है अखंड श्री परम धाम के बाग बगीचे, जहां जाके सखियां खेलती हैं। और कुछ सखियां 12 से 3 के बीच में क्या करती हैं, कहते कई 7वीं 8वीं भौम के हिंडोलों में झूलती हैं। कुछ सखियां चली जाती हैं 7वीं भौम में, 7वीं भौम में 2 ताली के हिंडोले हैं आमने सामने, और 8वीं भौम में 4 ताली के हिंडोले हैं। और सखियां 8वीं भौम में जाके भी झूला झूलते हैं, और कोई बट पीपल की चौकी में चली जाती हैं। बट पीपल की चौकी में भी नहरें चल रही हैं, फुहारे चल रहे हैं, है ना, और झूले लगे हुए हैं। आनंदकारी झूलों के बीच राजी महाराज को भी साथ में ले लेती हैं, क्योंकि हर सखी जब चाहे श्री राजी का स्वरूप हृदय में से तब प्रकट कर सकती है, क्योंकि धनी का ही तो स्वरूप है हम सब आत्माएं। तो लाडले सुंदर साथ जी, तो कोई फूल बाग में चली जाती हैं, कोई नूर बाग में चली जाती हैं। फूल बाग में जाती हैं तो फूलों की मालाएं बनाती हैं, फूल बाग में जाती हैं तो अनेकों प्रकार के फल, अनेकों प्रकार के मेवे। तो कहते फिर लाल चबूतरा में चली जाती हैं खेलने के लिए। कुछ सखियां पशुओं के पास जाके खेलती हैं, उनको आनंद आता है। कुछ सखियां बड़ो वन में खेलती हैं, कुछ ताड़ वन में खेलती हैं, कुछ सातों घाट में चली जाती हैं खेलने के लिए, और कुछ कुंज निकुंज में जाके खेलती हैं, जिस कुंज निकुंज के अंदर फूलों के ही माहौल दिखाई देते हैं, फूलों की सेजिया है, फूलों के ही झूले हैं, फूलों के ही किश्तियां चल रही हैं सुंदर सुंदर। तो लाडले सुंदर साथ जी, तो कहते कुछ सखियां कुंज निकुंज के अंदर खेलने के लिए चली जाती हैं, अपनी इच्छा अनुसार खेल तमाशे करती हैं। कब? 12 से 3 के बीच में। और कई सखियां अपने अपने मंदिर में बैठकर अपने माशूक की इश्कमयी रहस्यमयी बातें करती हैं। कुछ सखियां नहीं जाती हैं, कुछ सखियां अपने मंदिर में ही बैठ जाती हैं, और अपने मंदिर में बैठ के दूसरी सखी को बुला लिया, वो सखी आ गई, और 2 सखियां अपने ही मंदिर में बैठी हैं, और मंदिर में बैठ के और अपने प्रीतम की गुज बातें कर रही हैं, गुज रहस्य खोल रही हैं। सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि दीदी हमें परिक्रमा ग्रंथ में हम इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए चर्चा समझ में नहीं आती गिनतियों की। तो लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी ने सदगुरु महाराज श्री ज्वरदास जी ने लीला का वर्णन करना है इस ग्रंथ के अंदर से। मत डरना, आपको कोई गिनतियां नहीं सिखाई जा रही इसके अंदर, ना ही गिनतियों में आपको डाला जाएगा, ठीक है सुंदर साथ जी। यहाँ तो अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी चौदे भवन। लाडले सुंदर साथ जी, जो शिवजी ने कहा ना अब लीला हम जाहिर करें, कौन सी लीला जाहिर करनी है? यही अष्ट पहर की लीला को धाम के धनी खेल के अंदर लाडली आत्माओं के सामने जाहिर कर रहे हैं। अगर आप ये लीला नहीं सुनोगे ना, तो फिर हमारी आत्मा के अंदर प्रकाश कैसे होगा, उजाला कैसे होगा, नूर कैसे होगा? क्योंकि धनी जी कहते ए 25 पक्षे आपना, तेमा झील जो रात ने दिन, साक्षात तनी सेवा कीजियो, हृदय राखियो ए मरम। ए 25 पक्षे आपना, तेमा झील जो रात ने दिन,
कहते रात दिन इन 25 पक्षों के अंदर अपनी आत्मा को रमन कराना है सुंदर साथ जी। और आप बिल्कुल नहीं घबराना, लीला को सुनते जाओ। अब देखो कितना आनंद आया आपको, घर बैठे बैठे पता लग रहा है कि 12 से 3 के बीच में हमारे परम धाम के अंदर हम सखियां क्या क्या खेल खेलती हैं, कहां कहां चली जाती हम खेलने के लिए, है ना। हमें तो सुनना है ना 25 पक्षों का वर्णन कि किस प्रकार से हमारी अष्ट पैर की लीला चल रही है। और परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी ने तो बड़े ही सरल ढंग से इसका वर्णन किया है लाडले सुंदर साथ जी, बहुत ही सरलता के साथ, है ना। तो कह रही है कि कुछ सखियां मंदिरों में बैठती हैं, अपने अपने मंदिर में बैठ के अपने प्रीतम की जो रात को धनी ने लाड प्यार किया ना, वो एक एक बातें आपस में बैठ के खोलती हैं, है ना। और कहते इस तरह से एक पहर यानी 12 से 3 बजे तक वन की सैर करके कई प्रकार के फल मेवे फूलों के हार आदि सामग्री लेकर सब सखियां तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर में जहाँ श्री राज श्यामा जी पौड़े होते हैं ना वहां आ जाती हैं, और वहां पहुंचकर जुगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं। हम भी प्रणाम कर लें सुंदर साहब जी, क्योंकि श्री राज श्यामा जी नीले पीले मंदिर में पौड़े हुए हैं और हम ही तो सखियां हैं सारी की सारी, कोई दूसरी थोड़ी ना, हम ही तो जाती हैं खेलने के लिए, हम ही तो आती हैं नीले पीले मंदिर के अंदर, अब हम ही तो आए हैं, कोई दूसरा थोड़ी है, है ना। तो अब यहाँ पे ये 12 से 3 बजे तक की आनंदकारी लीला होती है और फिर सब सैया पौरे पिछल आवे तीसरी भौम चल, है ना, सब सैया पौरे पिछल, है ना, फिर सब आ जाती हैं सखियां। और आके फिर इसके बाद श्री राजी महाराज के साथ फिर आनंदकारी की लीला होगी। अब क्या होगी लीला उसका वर्णन करके आपको सुनाया जा रहा है लाडले सुंदर साथ जी। अब मंदिरों आए सैया जब खुले द्वार दर्शन पाए सब, सब सखियां जुत्थों के 40 जुत 12,040 जुत सखियां आ गई, कहां आ गई नीले पीले मंदिर में, है ना। और आके श्री राजी श्यामा जी का आके दर्शन करती हैं, प्रणाम करती हैं। तब आए सबे सुखपाल श्री श्यामा जी बैठे संग लाल, और इस समय 6,001 महाराज श्री ज्वारदास जी ने कहा कितने सुखपाल आते हैं, 6,001 सुखपाल आते हैं, क्योंकि राजी श्यामा जी भी तो अपने सुखपाल में बैठेंगे ना सुंदर साथ जी। 12,000 सखियां हो गई और 12,000 सखियों के सुखपाल, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठेंगी, तो 12,000 सखियां 6,000 सुखपालों में बैठ जाती हैं और एक सुखपाल में श्री राज जी और श्यामा जी बैठते हैं, है ना सुंदर साहब जी। तो फरमा रहे हैं कि तब आए सबे सुखपाल श्री श्यामा जी बैठे रंग लाल संग लाल। कहते श्री श्यामा जी महारानी सुखपाल के अंदर अपने प्रीतम के साथ बैठ जाती हैं, सुखपाल के अंदर दोए दोए सैया सब संग मिल बैठ करें कई रंग। कहते दो दो सखियां आपस में बैठी हैं और मीठी मीठी रस भरी प्यार भरी बातें कर रही हैं। सुखपाल चलावे मन जो चाहिए जैसा जिन, तो कहते हैं सुखपाल सखियों की इच्छा होती हैं उसी इच्छा के अनुसार सुखपाल चलते हैं, क्योंकि श्री राजी महाराज ने आज सखियों से पूछा कि सखियों कहाँ जाना है, तो सखियों ने कहा हमें तो पाटघाट पे जाना है। तो जब पाटघाट का नाम लिया तो लाडले सुंदर साथ जी, या जमुना जी या तालाब आए खेलें जो मन के भाव। कहते कभी सखियां यमुना जी पे जाती हैं, कभी हौज को सरताल पर जाकर अपनी इच्छा के अनुसार खेलती हैं। श्री राज श्यामा जी के डेरे सुखपाल उतारे सब नेरे, तो कहते हैं श्री राज जी श्यामा जी अपने विमान से उतरते हैं और सखियां भी उनके पास ही अपने विमान को उतार देती हैं। ये विमान क्या है लाडले सुंदर साथ जी,
ये सुखपाल हैं परम धाम के, और इन सुखपालों में बैठ के सखियां 25 पक्षों की सैर पे जाती हैं। जुत जुदे जुदे बन खेले, खेल नए नए रंग रेले। कहते हैं जुत जुदे जुदे बन खेले, सारी सखियां अपने समूह में अपने जुत में अलग अलग खेलती हैं, खेल नए नए रंग रेले। तो कहती है नए नए खेल कर आनंद प्राप्त करती हैं। तब लग खेले साथ सब दिन दोए घड़ी पिछला जब, तो कहते हैं दो घड़ी जब शेष रह जाती है चौथे पैर की, तब तक सखियां खेलती रहती हैं। सैया मिलकर प्यूपा से आवे, झीलने की बाता चलावे। अब सब सखियां इकट्ठी होके श्री राजजी महाराज के पास आती हैं और आके कहती हैं कि राजजी महाराज आइए अब हम जल क्रीड़ा करने की लीला करते हैं, आइए राजजी महाराज अब हम जमुना जी के अंदर झीलना करेंगे। श्री राज श्यामा उठकर उतारे हैं वस्त्र, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर सा जी श्री राजजी महाराज सखियों के कहने पे उसी समय खड़े हुए और झीलने के वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि हमारे झीलने के वस्त्र अलग हैं। अब तो हम श्रृंगार सज के आए थे ना, अब झीलने के वस्त्र पहन के और श्री राजजी महाराज किस प्रकार से झीलना करेंगे ये लीला हम कल के रोज सुनेंगे। अभी हमारा समय हो चुका है लाडले सुंदर साहब जी, हमारी जिग्ना जी, दिव्यानी जी, बलसार सुंदर साथ, हमारी जिग्ना जी ने तो पूरे लॉकडाउन के समय में भी समस्त सुंदर साथ को अपने घर पे टीवी चला के और सुंदर साथ को बैठा के कोरोना की परवाह ना करते हुए कहा कि कुछ करो ना, कुछ करो ना। हमारी जिग्ना बहन ने बहुत बड़ी सेवा की और अफ्रीका तक जिग्ना बहन ने मैसेज भेज के वहां के सुंदर साथ को भी जागृत किया और सभी सुंदर साथ को अपने घर पे टीवी चला के और आज तक वो वाणी चर्चा सुना रही हैं। जिग्ना बहन बलसार धाम धनी की अपरंपार कृपा हमारी जिग्ना बहन पर, हमारी दिव्यानी बहन पर, हमारे मितेश जी लोपा बहन पर, समस्त सुंदर साथ पर, बलसार के समस्त सुंदर साथ ही नहीं समस्त विश्व ब्रह्मांड के अंदर जो सुंदर साथ ये वाणी चर्चा सुन रहे हैं उन सब पर धाम धनी की कृपा बरसती रहे। और अफ्रीका के अंदर सुन रहे हमारी नेहा जी और हमारे जतिन जी पर धाम धनी अपनी अपार कृपा बरसाते रहे। तो लाडले सुंदर साहब जी आइए चौपाई दोहराते हैं, यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि हमारा समय हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी कल विश्व प्रणामी परिषद की ओर से कार्यक्रम रहेगा, 9 से 8:30 से शायद 10:30 बजे तक आप सुंदर साथ समस्त सुंदर साथ उस कार्यक्रम में अवश्य भाग लेना। ये अपना कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा लाडले सुंदर साथ जी, लेकिन वो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की मैं सूचना आपको कल फेसबुक पे दे दूंगी कि अपने कितने बजे चर्चा शुरू करेंगे, पहले कर लेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी वो विश्व परिणामी परिषद पे परमहंस वाणी विशारद चर्चनी सम्राट महाराज श्री ज्वारदास जी का स्मृति महोत्सव विश्व परिणामी परिषद पे बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है, क्योंकि सभी आचार्य गुरुजन अपने अपने भाव रखेंगे। तो आप समस्त सुंदर साथ उस कार्यक्रम में भी भाग लेना, ठीक है सुंदर साथ जी। और कल मेरी फेसबुक पे देख लेना, मैं उनसे समय पूछ के फिर आपको डाल दूंगी कि कितने बजे का समय रहेगा अपनी वाणी चर्चा का, ठीक है सुंदर साथ जी। अभी हम चौपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जल क्रीड़ा कई रंग खेले, पहने वस्त्र जो झीलन, राज श्यामा जी सैया सबन, इत एक घड़ी लो झीले। जल क्रीड़ा कई रंग खेले, जल
क्रीड़ा कई रंग खेले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारा कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। और लाडले सुंदर साथ जी, आप जिस जिस सुंदर साथ ने भी परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के नाम पर पारायण पढ़े हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि कल 41 पारायण महाराज श्री ज्वारदास जी के नाम पर जो सुंदर साथ ने पढ़े हैं उनका भोग डाला जाएगा। और आप सुंदर साथ ने भी जो पारायण पढ़े हैं वो भी आप मुझे सूचना दे दें। कल 9 से 11 श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्री गंगानगर में महाराज श्री ज्वारदास जी का स्मृति महोत्सव मनाया जाएगा। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ उसमें भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम उस कार्यक्रम को भी लाइव करें, ठीक है। सुंदर साथ जी प्रणाम।